अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? तो कल आखिरी वीकेंड का वार था सलमान खान जिसमें आता होता है हर वीकेंड के वार पे। तो कल साथ में उसके अनिल कपूर भी आया जिसपे उनकी डिस्कशन भी हुई काफ़ी, थोड़ा गाना शाना भी गाया। तो भाई अनिल कपूर का मानना पड़ेगा, अभी तक जो उसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है ना बंदे ने, कमाल। अच्छा मतलब कि इस एज में अभी वो सारे एक्टर्स से बहुत अपने आप को फिट उसने मेंटेन रखा हुआ है। और कल के एपिसोड में ये हुआ कि जो नॉमिनेट लोग थे उनमें से एक बंदा निकलना ही था, जिसमें से ईशा निकल गया, उसको सबसे कम वोट मिले। जो मेरा पॉइंट था कि मुझे लग रहा था वो टॉप 5 में जाएगी, उससे अगर कम डिजर्विंग अगर कह दो ना तो वो मुझे अंकिता कह सकते हो, क्योंकि ना वोट होंगे उसके नो डाउट, लेकिन गेम में अगर देखा जाए ना, अगर ईशा के मुकाबले में अगर किया जाए तो उसका रुझान कम था। ईशा आपको हर जगह हर पॉइंट पे आपको नजर आई थी, और मतलब कि गेम का मकसद यही, जो जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा बिकेगा वाला सीन है। तो अंकिता से ज़्यादा ना वो रहना डिजर्व करती थी ईशा, जो निकल गई है। तो एक ये चीज़ हुई। उसके बाद क्या नाम है, एक उन्होंने टास्क दिया था बिग बॉस ने कि ना तोपो की सलामी वाला, जिसमें उसमें अरबाज खान और सुहेल खान आए थे, जिन्होंने ये वाला तोपो की सलामी वाला टास्क करवाया था। पहले तो थोड़े 2-3 पॉइंट मारे थे, कभी मुनव्वर को कभी मनारा को, तो जस्ट चिल के लिहाज उनका थोड़ा सा बीच में ना एक क्लिप्स आते हैं। तो वो एकदम अभिषेक ने कहा आप जस्ट चिल तो नहीं करवाया आपने, जस्ट चिल तो नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट चिल वाला उसका ना सेगमेंट का नाम जस्ट चिल है। तो उसमें उन्होंने ये वाला टास्क भी करवाया, थोड़े बहुत बाहर के लिहाज से बातों के लिहाज से उनको पॉइंट भी मारे। सुहेल खान को अगर देखा जाए तो सुहेल खान भाई बहुत मोटा हो गया। टास्क दिया था बिग बॉस ने कि ना तोपो की सलामी वाला, जिसमें वो मुंह काला हो जाना था कि कौन डिजर्व नहीं करता घर में रहना, जो बकाए 6 बंदे रह गए थे उसमें ये चीज़ डिसाइड हो रही थी। तो सबसे पहले क्या नाम है, मुनव्वर से पूछा गया, मुनव्वर ने कहा कि डिजर्विंग का तो कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि सारे यहाँ पे डिजर्व करते हैं तभी यहाँ पे खड़े हुए आज आखिरी वीक में। तो उसने बड़ी प्यारी बात की शुरुआत की थी कि लेकिन अरुण भाई शुरू में बिल्कुल ही नज़र नहीं आया इस तरीके का, तो इस लिहाज अगर 5 मिनट अगर बैठे, अगर उस लिहाज से बात करें रुझान की तरफ गेम में, कि अगर ये दूसरा की मतलब जो दोस्त दुश्मन का दुश्मन जो होता है ना दोस्त, तो इन्होंने वो वाली गेम ज़्यादातर खेली है कि वहाँ पे जाके बस बैठ के देखने लग जाएंगे, और उसके अलावा उन्होंने और कोई गेम नहीं खेली। तो उसने इस लिहाज से ना अरुण को किया, तो वो खड़ा करके वहाँ पे वो जो तो इस्लामी और ब्लैक पूरा चेहरा हो गया था, चारकोल से या पाउडर था, चारकोल पाउडर जो भी था, तो उससे सारा चेहरा खड़ा हो गया था। तो कम अज़ कम 3 से 3 बंदों ने, 3 या 4 बंदों ने उसी को बुलाया था अरुण को, एक ने मनारा ने अंकिता को बुलाया था, जिसमें वो कहती कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, जबकि अंकिता जो है ना अगर मनारा को बोल रही है ना तो वो भी अपने पॉइंट पर फिर जाती है। अगर आज ये वाला पॉइंट है ना अपने दोस्तों के लिहाज से, अगर उनसे बहस हो जाएगी ना तो कल दूसरा पॉइंट बन जाएगा उसके अगेंस्ट। तो दोनों सेम ही, अगर इस बार अगर ये वाला पॉइंट अगर मैं वो मनारा को बोल रही थी ना, तो दोनों फिर सेम इस पॉइंट पे। और एक ने मुनव्वर को बुलाया था अरुण नहीं, कि इनका कोई गेम नहीं है, बस आयशा खान की वजह से देखे और बस दो इस वीक में देखना शुरू हुए हैं। तो मुनव्वर ना एक्चुअली जो मैं मुनव्वर की बताता हूँ, जो उसने गेम प्ले किया, उसने फजूल मुद्दों में नहीं पड़ा, वो उसकी ये आदत है, क्योंकि इन लोगों ने सबने बार बार पिछले उनका जो एक था रियलिटी शो मुनव्वर का, तो वो उसकी बार बार ना एग्जाम्पल दिया जा रहा है अरुण भी, और अभी मैं काफ़ी लोग उसका जिक्र करते हैं जबकि वो खुद इतना एक दफ़ा भी उसने जिक्र नहीं किया। तो मेरा मानना है कि अगर आप बिग बॉस में होना तो आप बाहर की बात वाला जिक्र ना करो इतना बिग बॉस के अंदर, अपनी रियल पर्सनैलिटी जो है ना वो चीज़ दिखाओ जो कि मुनव्वर ने दिखाई। बकाया साहब ने बाहर की भी उछाली, सारा कुछ किया, बाहर की पॉइंट्स भी मारे, बाहर की गंदगी भी उछाली, तो काफ़ी कुछ इस तरीके से किया। तो कल ये वाला टास्क हुआ था जिसमें एक नवर को वोट पड़ा और एक अंकिता को, और पकाया 3 उसको अरुण को। और नो डाउट कि मनारा भी वहाँ पे डिप्लोमेटिक उसने स्टेटमेंट दी, कि जहाँ पे अभिषेक के साथ उसकी बहस हुई कि आपने क्यों कल तक आप कुछ और नाम दे रहे थे और अभी आया था आप एकदम से क्या आप फिर गए अपने नाम से ही, तो कहती नहीं मतलब उसको मनारा का ये कि जब उसको कॉल आउट करोगे ना तो वो अपने गंदे अल्फाज यूज करना शुरू कर देगी। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।